व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप लोगों का रोड टू अमेचर ओलंपिया के एपिसोड नंबर 32 में। मोटिवेशन लेवल आज अलग है क्योंकि जब से भाई मेरी जो लीवर टेस्ट रिपोर्ट है वो बिल्कुल बढ़िया आई है भाई, मजा आ गया यार। ठीक है, एक बार को मेरे को ये हो गया था कि मैं कंपटीशन खेलूंगा भी या नहीं खेलूंगा। भाई सर ने भी सही बोला था, डॉक्टर ने भी सही बोला था कि हमें पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, कंपटीशन खेलना है बट अपनी हेल्थ खराब करके नहीं खेलना। दोनों चीज़ बढ़िया होगी, हेल्थ भी बढ़िया हो रही है तुम्हारे भाई की और कंपटीशन तो खेल ही रहा हूँ। अभी फ़िलहाल भाई मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाई जब से लीवर टेस्ट रिपोर्ट मेरी बढ़िया आई है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और आप लोगों के भाई इतने सारे मैसेज आए मेरे को इंस्टाग्राम पर, कमेंट आए इतने सारे कि भाई खेलो 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 खेलो। भाई मैं खेल रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो यार। पहले मैं अपनी हेल्थ को तो प्रायोरिटी दूंगा ना, ये तो नहीं है कि भाई मैं अपना लीवर डैमेज करा लूँ उसकी वजह से मैं कंपटीशन खेलूँ। इसलिए मैंने एक हफ्ते का ऑफ लिया, हर चीज़ों से अपने लीवर को रिकवर किया। खेलने में भाई क्या कर सकता था मैं, पहले ही अपनी एक्सट्रीम कटिंग स्टार्ट कर देता, लीवर डैमेज होता रहता और फिर कॉम्पिटिशन के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता जो SGOT एंड SGPT है। ठीक है, बट वो अब नहीं होगा क्योंकि मैं रेगुलर अभी भी वो सारी मेडिसिन वगैरह चला रहा हूँ जो मेरे लीवर को सपोर्ट करेगी, अच्छे से डिटॉक्स करेगी। ब्रेकफास्ट देख लो तुम्हारे भाई का आज, ये है ब्रेकफास्ट। इसमें मैं खाऊंगा सिर्फ एग वाइट्स और ये वेजिटेबल्स। आज हमारा सेशन है सर के साथ, तुम्हारा भाई रेडी है एकदम आग लगाने के लिए। ऑब्वियसली मेरा जो वेट है वो थोड़ा बहुत कम हो चुका होगा पहले से क्योंकि मैंने 6 दिन सिर्फ प्रोटीन और ये वेजिटेबल्स खाए हैं, तो कैलोरीज मेरा काउंट कम हो गया था क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फैट लेता तो लीवर पे और ज़्यादा जोर डालता। दैट्स वाई भाई मैंने फैट भी बंद कर दिया था, कार्ब्स तो मेरे बंद थे ही थे। तो देखते हैं भाई आज डाइट में क्या चेंज आता है। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, कॉफ़ी भाई पी ली है यार, बढ़िया कॉफ़ी बनाई थी वो एकदम। अभी मेरी सर से बात हुई है, आधे घंटे बाद मेरा वर्कआउट सेशन है। मैंने ये डॉक्टर चॉइस का भाई ये नॉक्स प्रो मंगाया नया, मेरा पिछला वाला जो 2 डब्बे थे दोनों ख़त्म हो गए। ये भाई बहुत ज़रूरी है अभी मेरे लिए क्योंकि ये मेरे को बहुत तगड़ा पंप देता है और जब तक पंप नहीं आता ना बॉडी में तो मज़ा नहीं आता भाई वर्कआउट करने का। तो जिसको तगड़ा पंप चाहिए ना उसके लिए ये बेस्ट है भाई। नॉक्स प्रो में ऐसा क्या भाई जो इतना तगड़ा पंप देता है? नॉक्स प्रो में है आर्जिनाइन नाइट्रेट, सिट्रुलिन मालेट, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। जब ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो आपको मिलता है एक बहुत तगड़ा पंप। साथ साथ भाई मैं लेता हूँ इसको एक और रीज़न की वजह से, वो है इसमें क्रिएटिन नाइट्रेट डाला हुआ है। क्रिएटिन नाइट्रेट एक बहुत बढ़िया फॉर्म है जो कि ब्लोटिंग नहीं कराती और बॉडी में वाटर नहीं आने देती। लोगों को ये फील होता है कि क्रिएटिन लेने से उनकी बॉडी में वाटर आ जाएगा, उनकी कटिंग नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ले लो, डॉक्टर चॉइस के नॉक्स प्रो को, आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप 50 किलो की आज बेंच प्रेस मारते हो तो इसको लेने के बाद और अच्छी डाइट लेने के बाद आप 50 से 60, 70, 80 इजिली जा सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। ये डॉक्टर चॉइस का नॉक्स प्रो बेस्ट है, बेस्ट। 3 टैबलेट लेनी है, अगर आप एडवांस हो स्टार्ट कर रहे हो तो 2 ले लेना वर्कआउट करने से 20 से 30 मिनट पहले। कल भाई मैंने सर को जब कॉल किया ना मेरी टेस्ट रिपोर्ट दिखा के, सर पे बोले हंसू मैं क्या करूं। सर भी भाई बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेके। वो जो एक गलती हुई है छोटी सी वो बड़ा सर परेशानी, कंपटीशन हमारा ले जाती सर वो। ठीक है सर, गलती होनी नहीं चाहिए थी, मतलब बड़ा मैं तो टेंशन में था कि यार इतनी मेहनत की हुई सारा। सर बात ये है ना कि आप लाइटली नहीं लेते, ठीक है। अब देखो सर खिलाने में सर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ध्यान नहीं देंगे। इवन सर मैं तो ये बोलता हूँ कि अपना ब्लड टेस्ट कराते रहा करो भाई। और बहुत सारे लोग है ना सर ऐसे लाइटली लेते हैं, बहुत सारे क्या सर मोस्टली लोग लेते हैं। अगर सर आप मेरे पीछे ना पड़ो ना तो मैं भी सर लाइटली लूँ इस चीज को, बिल्कुल ठीक है। वो तो सर आप मेरे पीछे पड़े रहते हो कि भाई ब्लड टेस्ट करा। आगे से आ रहा हूँ आगे से। तो भाई ब्लड टेस्ट क्लियर आ गया है, अब सर फुल पावर से चले। फुल पावर से 20 दिन रहेंगे सर, 20 दिन में फुल पावर लगा देंगे। अभी जो 5 दिन का लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर इस हिसाब से हमारा अच्छी चीज ये हुई, मेरा कोविड फ्री हो गया मैं। वो जरूरी था, अगर मेरी वैक्सीनेशन नहीं लगती ना फिर सर बिल्कुल टेंशन रहती है और वेस्ट भी हो जाते हैं सर दिन। वेस्ट होते हैं, बड़ा
बड़े टाइम अब ये थोड़ा बहुत तो ये है मैंने कि वैक्सीन लग गई ये हमने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि टाइम से लगा ली जो फर्स्ट लगी ना उसके बाद जो सेकंड का टाइम है वो इतना कि हमारे बिल्कुल कंपटीशन पे नहीं जो है ना क्लैश नहीं किया वो तो ये सबसे अच्छा पार्ट अब तो सर जैसे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ ये लीवर का सारा प्रोसीजर थोड़े दिन में तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा ये 100% अब भी वैसे ठीक है तेरा कोई हाँ पांच दिन में ही सर इतना रिजल्ट आ गया मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ कि तू हर चीज फॉलो कर रहा है अगर यही सोच के मैं कहता कि चल यार ठीक चल रहा है क्यों मेरे को पता है कि इन चीजों में तेरे को सेफ्टी है अगर हम ये चीज ना सोच के मैं ये सोचता कि यार चल सब कर रहा है चल ठीक है छोड़ परे टेस्ट बाद में तो नुकसान हो जाता फिर तो सर कंपटीशन नहीं खेल पाते फिर वो मुश्किल हो जाता तो वो एक जो मतलब ये एक लेसन है एक तरह का कि यार सीखने को मिलता है सीखने को मिलता है ये चीज तो लाइटली नहीं लेना है अभी एक और करा लूंगा सर कंपटीशन से पहले वो तो होगा ही होगा तेरा अभी हमने एक और करवाना है 10-15 दिन में करवाएंगे क्योंकि जो लास्ट के वीक का जो हम प्रोसीजर करेंगे तेरे ड्राइनेस के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा जो इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी होना जरूरी है तो एक टेस्ट और करवाएंगे ठीक है सर बाकी सर स्किन क्वालिटी बहुत प्यारी हो गई आज देखना सर पेट एकदम गया मेरा मतलब छोटा सा हो गया एकदम वेस्ट वो मेरे को पता है और अभी पूरा प्रोसीजर शुरू करेंगे हम आज से और थोड़ा फॉलो करेंगे इस चीज आज से एक्स्ट्रा करेंगे ठीक है सर सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत तगड़ी न्यूज बता देता हूँ वो सर बताएंगे कि मेरे को आज क्या खाना है क्या खाना है सर भाई केक खाना है तुमने क्या खाना है सर केक खाना है ब्राउनी जो भी पसंद है हाँ हाँ हैवी से हैवी सर कितना है? कोई लिमिट नहीं है आज ओ भाई साहब आज तो भाई देखना शोल्डर सेपरेशन क्या सीन हो गया है बहुत दिनों से वो खा रहा हूँ ना कार्ब्स हट रखे है बॉडी से मेरी वैसे भी लीवर डिटॉक्स हो रहा था तो स्टीम वेजिटेबल बॉयल चिकन और बॉयल एग्स खा रहा था तो सर को लगा होगा कि अभी फिल करना चाहिए बॉडी को थोड़ा बहुत ठीक है साइज वगैरह ना टूटे सर है ना
तो सर ने आज मेरे को बोल दिया। भाई पहला कंपटीशन है ना, तो ये वाला एक्सपीरियंस पहली बार है, लाइक ये वाली स्किन पहली बार है। और अभी तो जस्ट ये स्टार्टिंग ही देख रहे हो आप मेरी कटिंग की, एक्सट्रीम लेवल पे तो भाई। अच्छा दो चीजें एक साथ, अरे अरे सर, और एक पेप्सी ले। हाँ एक पेप्सी ले ले अपना, खा पी आज मौज ले, कल बताइयो फिर मेरे को कितना पंप बढ़ा कितना वेट बढ़ा तेरा। कल अलग से पंप दिखेगा, कल देखिए 3D दिखेगी पूरी बॉडी। फाइनली भाई चोकोबस मिल गए, तीन लिए भाई, दो मेरे लिए, एक सोनिया और प्रिंस आएगा वो भी खा लेंगे भाई, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर मैं ज्यादा मीठा खाऊंगा ना फिर वो ओवर ईटिंग हो जाएगी। ये नया ट्रैक सूट एकदम गिफ्टेड बाय प्रिंस। भाई प्रिंस लाया सोनिया के लिए। ओके थैंक यू। कई किलो है भाई ये, कई किलो है। चोको बस्ट, इसमें दो और चोको बस्ट। ये पहले खा लो, आई थिंक ये वो हो जाएगी ना एकदम नरम। ये होती है प्रॉपर चीट मील, ये लो। अभी मैं आप लोगों को अपनी बॉडी की कंडीशन दिखाऊंगा, वो है चीट मील के बाद। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा मेरे को फुल फील हो रही है, मसल एकदम ऐसे फील हो रही है, मतलब 3D टाइप फील हो रही है। पिछले बहुत टाइम से मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा था, तो एकदम अपनी डाइट में मैंने जब चीट मील ऐड करी सर के कहने पर, तो मैं आपको अपनी बॉडी के करंट रिजल्ट दिखा देता हूं और मजा आ जाएगा आप लोगों को। आग तो चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगा। किसी ने पूछा था, ब्रो मेरा क्वेश्चन है कि मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में, मतलब ओपन बॉडी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ डिफरेंस, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कभी कन्फ्यूजन ना हो कि क्या देखना चाहिए मेंस फिजिक में, क्लासिक फिजिक में, ओपन बॉडी बिल्डिंग में, या आपको कभी कंपटीशन खेलना हो तो आपको पता हो कि आपको किस कैटेगरी में खेलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेंस फिजिक की। मेंस फिजिक में क्या देखा जाता है, आपकी अपर बॉडी, घुटने तक आपकी शॉर्ट्स होती है, आप घुटने से ऊपर भी पहन सकते हो, थोड़ा सा नीचे भी पहन सकते हो, मर्जी आपकी है, बट वहाँ पर आपकी पूरी थाई शो नहीं होती है, ढकी ओढ़ होती है। अपनी फिजिक को
शो करने का तरीका आना चाहिए, आपकी जो वेस्ट है वो नैरो होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, आपके शोल्डर चौड़े होने चाहिए, आपकी बॉडी में एक्स फ्रेम आना चाहिए, लेग्स भी ट्रेन करने चाहिए, बट मैटर क्या करता है, आपकी अपर बॉडी, आपकी पोजिंग, आपकी कंडीशनिंग, ये तीन चीज मैटर करती है। अब बात करते हैं क्लासिक फिजिक की। क्लासिक फिजिक में आपकी पूरी बॉडी देखी जाती है, मेंस फिजिक में शॉर्ट्स यहाँ तक होते हैं, क्लासिक में वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो आपके लेग्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपकी बॉडी का फ्लो देखा जाता है, आपकी मसल मैच्योरिटी देखी जाती है, आपकी एक ऑल ओवर क्लासिक लुक देखा जाता है, और पोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है हर कैटेगरी में, ठीक है। क्लासिक की पोजिंग बहुत ही क्लासी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप मेंस फिजिक वाली पोजिंग क्लासिक में कर रहे हो, क्लासिक वाली आप मेंस फिजिक में कर रहे हो, या बॉडी बिल्डिंग वाले पोज कर रहे हो, जो पोजिंग है वो सबकी अलग अलग होती है। तो क्लासिक में आपकी पूरी बॉडी का फ्लो देखा जाता है कि आपकी बॉडी क्लासिक लग रही है, ओल्ड स्कूल टाइप लग रही है या नहीं लग रही, उसी बेसिस पर जजमेंट होती है। अब बात करते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग की। ओपन बॉडी बिल्डिंग में आपकी बॉडी का हर पार्ट हर किसी बंदे से कंपेयर किया जाएगा। अगर स्टेज पर 10 लोग खड़े हैं तो सबसे पहले 10 लोगों में से देखा जाएगा किसके लेग्स सबसे अच्छे है, फिर देखा जाएगा किसकी बैक सबसे अच्छी है, ऐसे ही सारे पार्ट्स देखे जाएंगे, फिर जजेस डिसाइड करेंगे कि ऑल ओवर किसका लुक सबसे बेटर आ रहा है बॉडी बिल्डिंग में। साइज देखा जाता है कि किसकी बॉडी में साइज कितना है, कंडीशनिंग कैसी है, ठीक है, बट हर एक पर्टिकुलर पार्ट को देखकर बॉडी बिल्डिंग में विनर डिसाइड होता है। तो ये है तीनों कैटेगरी में डिफरेंस, और आगे से आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो तो मैंने सोचा भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक और ओपन बॉडी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा भाई किसी एक इंसान के क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। ये है रोड टू अमेच्योर ओलंपिया का एपिसोड नंबर 32। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। टिल देन, नॉट पीस गेन्स।